a warm good evening, and I'm back to take your classes. Good evening, my lovely kids. How are you doing? Very warm good evening. Welcome, my class 11th, my raiders, my mascots. Very warm good evening. Kaise hai mere sare bache? Very, very warm good evening. Good to see you guys. Yes, so awesome. Hi, bacho. Kaise ho? How are you doing? Namaste everyone. Good evening. बहुत ही बढ़िया. तो क्या मेरे सारे क्लास 11 के बच्चे पूरा सिलेबस करके आए? We are going to restart the handmade note series from tomorrow. और कल के handmade note series में मैं आपको plant anatomy करवाने वाली हूँ. Echo, is it fine now? अब तो echo नहीं हो रहा. Namaskaram. I think it should be absolutely fine. Echo was because the other laptop was on. So yes, चलो शुरू करते हैं. तैयारी करके आए. मैंने आपको कब से बताया हुआ है कि वेडनेसडे को आपका टॉप 50 क्वेश्चंस फुल सिलेबस टेस्ट होगा आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. यार कल तो मिले, सिर्फ संडे को नहीं मिले. यस यस एवरीवन. चलो ठीक है, तो टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर नीट प्रिपरेशन रेडी एवरीबडी? परफेक्ट. और आपको पता है कि मंडे ऑनवर्ड्स आप लोगों के लिए बोर्ड के लेक्चर्स भी आ रहे हैं टू डू वेल. अच्छा, कितने बच्चे क्लास 11th से हैं? से यो साइन बनाओ पहले. प्योर क्लास 11th वाले, मेरे क्लास 11th वाले एक बार ऐसा यो साइन बना दो. यस. और जो क्लास 11th वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स का क्या चल रहा है? आई विल पुट अ पोल फॉर यू. तक आप लोग बोर्ड एग्जाम्स ओवर और अबाउट टू कम, क्या चल रहा है आपके बोर्ड एग्जाम्स का बताओगे? ओवर है कि अबाउट टू कम है क्लास 11th वाले? मैं पढ़ लू एक बार आपके कमेंट साइड में आके. ओवर हो गए, अबाउट टू कम? या फिर एक काम करो, मेरे को जरा, मैं एक पोल आज का कमेंट सेक्शन में डाल दोगे? मेरे को परसेंटेज कुछ पता नहीं चल रहा है. मेन कमेंट सेक्शन में डाल दोगे? पक्का प्रॉमिस? यो परफेक्ट. चलो ठीक है, परफेक्ट, ऑसम ऑसम ऑसम. ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया. फिर तो अबाउट टू कम वाली प्रॉब्लम आप मेरे साथ शेयर कर दो, है ना? चले शुरू करें मेरे बच्चे, है ना? चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड मेरे बच्चों. अबाउट टू कम, मुझे मेन कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा प्लीज. आई बी वेटिंग फॉर दैट. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. बाय द वे, आपने क्या मेरा कल का लेक्चर देखा था अबाउट टू टाइम्स बोर्ड? हैव यू स्टार्टेड टू रो द बोर्ड? हैव यू मेड अ टाइम टेबल? मैंने आपको बोला था एक टाइम टेबल बनाना. यस, और रो द बोर्ड करना, फिजिक्स केमिस्ट्री में मेहनत करना. मुझे लिख दो कॉमेंट सेक्शन में बच्चों. क्लास के बाद टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर नीट प्रिपरेशन क्लास 12 का फुल सिलेबस आई एम गोइंग टू बी डूइंग टुडे इवनिंग. इज दैट क्लियर? शार्प एट 9 o'clock. एंड 12th बोर्ड का अगर कोई बच्चा दे रहा है ये सेशन, सो एक्सक्लूसिव सेशन फॉर 12th बोर्ड स्टूडेंट्स. इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द YouTube Zoom सेशन लाइव विद मी, वी आर गोइंग टू बी क्रशिंग द बोर्ड. सो आप मुझे प्लीज मेल कर दीजिए बॉन्ड विद बायोटॉनिक एट द रेट ऑफ gmail.com पर अपने क्रेडेंशियल्स. राइट, आपका नाम, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपकी फोटोग्राफ, एंड वी विल कॉल यू ऑन टू द चैनल लाइव विद अस. इट्स गोइंग टू बी सो सुपर अमेजिंग. राइट गाइज, कल सुबह 9 AM को NTA ऐप के मैं आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ फॉर माई बैच ऑफ 2021. Yo, what am I going to do? 2021 batch ke liye episode number 7 of 30 most important questions from NTA. Aur kal class 11th ke liye, anatomy of flowering plants. Done? Yes, big. Anatomy of flowering plants. Ready? One page notes. Neat board sprint revision, one page handmade notes. Sprint revision board 21-22 के लिए one page notes with the mentee quiz, anatomy of flowering plants. और कल एक और बड़ी important चीज़ है guys, अब हमें board पे भी focus करना है. क्या लिखा नजर आ रहा है? कितना प्यारा सा poster है, पहले तो ये देखो कितना different सा और प्यारा सा poster है. Yes, क्या लिखा आ रहा है इस पे? Easy topics of biology to score 90 plus in class 12. क्या 11th के बच्चों को भी ये चाहिए? क्लास 11th के बच्चों को चाहिए ये? अगर मेरे क्लास 11th के बच्चों को ये चाहिए तो क्या मेरे क्लास 11th के बच्चे आज कमेंट सेक्शन में लिख देंगे? मतलब आप वैरायटी देख रहे हो? दिस हैंडमेड नोट्स. यस, यू नीड टू ईमेल अस, वी विल पुट यू ऑन अ Zoom सेशन. मतलब यार कितनी वैरायटी है. यो चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड.
और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं इससे पहले कि आई एम रशिंग, मैं एक सेकंड के अंदर आपको ओपन कर रही हूं मेंटी, राइट गाइस? फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? फिजिक्स केमिस्ट्री, यस मैम, पक्का? प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस? फिजिक्स के, और गाइस अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, मुझसे अकेले नहीं हो रहा, आपके स्कूल में तो अभी नहीं बुला रहे ना क्लास 11th वालों को, स्कूल में तो इतना प्रॉब्लम नहीं कर रहे कि बार बार आओ स्कूल, आओ स्कूल, आओ बेटा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो दिन में 3 to 4 hours ऑफ फिजिक्स एंड 3 to 4 hours ऑफ केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो घर पे बैठ के अपने आप 3 to 4 hours ऑफ फिजिक्स एंड 3 to 4 hours ऑफ केमिस्ट्री, राइट? आप अपने आप पढ़ सकते हो, इट्स इजियर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, इन बच्चों ने भी किया है, एवरीबडी हैज डन इट। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप क्लास 11th के बच्चे हो, आपको सिर्फ एक सिंगल मंथ का भी अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया, राइट, सिर्फ एक सिंगल मंथ का, तो आपको होता क्या है, जो वेदांतों का पूरा प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए ओपन हो जाता है। इस प्लेटफॉर्म में लॉन्ग टर्म कोर्स चलते हैं, जो क्लासेस चल रही है, इस प्लेटफॉर्म पे माइक्रो और मॉड्यूलर कोर्सेस चलते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे क्रैश कोर्सेस चलते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे टीचर के कोर्सेस चलते हैं, जैसे फिजिक्स का कोई टीचर कोर्स करवा रहा है, और ये सारे आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं अगर आप सिर्फ 1 month का भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, वो भी पीसीबी में। तो गाइस आप एट अ टाइम मल्टीपल टीचर्स और मल्टीपल डाउट एक्सपर्ट्स, मल्टीपल क्लास टीचर से पढ़ सकते हो विद जस्ट 1 month ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो अगर आपको पूरा 11th पढ़ना है, 11th के वीक टॉपिक्स में प्लीज फेब मार्च में रिवाइज कर लो, डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सारी क्लासेस के लिए एक्सेस मिल जाएगा, डाउट सॉल्व हो जाएंगे, पीसीबी के कंप्लीट, पीसीबी के 10,000 प्लस क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा है, 5,000 प्लस आवर्स ऑफ लर्निंग है, मिस मत कीजिएगा। कोड आप यूज कीजिएगा वीडी प्रो, ये जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, इन जस्ट 3 or 4,000 आप पूरे महीने हमारे साथ पढ़ सकते हैं, कोड मत भूलिएगा प्लीज, वीडी प्रो। चलो तो अब हम थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए तो मेंटी जी का कोड है 4616558, आइए प्लीज 4640 1658। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच बिमल, बिल्कुल कर सकते हैं देवशीष, 11th वाले भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं मेल में। चलिए चलिए बच्चों जल्दी से आ जाइए, कैन द ओल्ड स्टूडेंट्स गाइड द न्यू वंस, क्या मेरे ओल्ड बच्चे, आपको menti.com ओपन करना है, लाइक दिस देयर इज अ विंडो menti.com, तो ये menti.com ओपन करेंगे, यहां लिखिए 4016658, यही कोड है, क्या कोड है, 4016558, 16 है, हरी तो गलत है, 16558, और कर दीजिए सबमिट, ये देखिए। सो आपने एक और विंडो ओपन करनी है एंड यहां पर आ जाएगा ज्वाइन क्विज, मेरा नाम है मैवरिक, तो कैन यू ओपन वन मोर विंडो 4016558, ऐसा है, एंड यू विल ऑल बी एबल टू ज्वाइन दिस, आई वांट यू टू क्विकली कम हियर प्लीज सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। चलो स्टार्ट करें, एवरीबडी कैन यू जस्ट टाइप ज्वाइन देयर एक बार प्लीज, जस्ट टाइप joined ज्वाइंट,
परफेक्ट स्टार्टिंग इन 5 4 3 2 1 क्वेश्चन नंबर 1 फुल क्लास 11 देखते हैं आप लोगों की प्रिपरेशन किस लेवल की है. द यूसेज ऑफ बाइनोमियल नेम्स ऑफ प्लांट स्पीशीज वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द वर्क बाय हु वाज द फर्स्ट वन टू टॉक अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इट डार्विन वाज इट बेंजामिन हुकर वाज इट कैरोलस लिनियस और वाज इट ओनली हुकर. इट्स एन इजी क्वेश्चन. You should all be able to do this question. Can you please fill in your OMR sheets and not make mistakes? Please fill in your OMR sheets. Don't do it without your OMR sheets, please. Let's see. Everybody, you have to stay till the end. You have to do plus 4, minus 1. Bina plus 4, minus 1 ke bina koi fayda nahi hoga. Let's see. It is Carolus Linnaeus. Well done. We move to question number 2. 50 questions Carolus Linnaeus ne kiya tha. First chapter se shuru kiya maine. The system of classification based on evolutionary and genetic relationships among organisms, ignoring the morphological similarities or difference. Morphology se koi farak nahi pad raha hai. Aap sirf mujhe evolution ke hisab se kaun similar dissimilar lag raha hai batao. Chalo. Bataiye. Very well done. Very well done. Beta, beta, beta. It is such an easy question. आपने evolution के point of view से दो words हमेशा याद रखने हैं. एक है phylogenetics. Can anybody see the word phylo? Phenetics नहीं है. No. Phylogenetics. And the study is referred to as cladistic systematics नहीं है. It's not arrangement. It is not on the basis of what you can see. It is on the basis of evolution. How many of you have got plus 8? Raise your hands. Kyun kiya minus 1? Plus 8, mere bachche. Kitne bachche hai plus 8 wale? Comment section mein likho plus 8. Chalo. Plus 8. Right? Cladistics and phylogenetics. Agla sawal. No mistakes, please. हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे कि हमारे कितने परसेंटेज गलत हो रहे हैं इलेवेंथ के कितने परसेंटेज सही हो रहे हैं. चलिए टीओ यार बहुत इजी है. मैंने आपको बहुत बार कराया हुआ टीओ ड्रेनर. क्या किया इन्होंने डिस्कवर थियोडोर ऑटो डिनर. Potato, spindle, tuber, virus, जो डिजीज कॉज करता है potato spindle, इन्होंने डिस्कवर किया है. क्या है? Very nice, very nice. इन्होंने बोला कि जो virus नहीं है potato spindle tuber disease का जो causative agent है वो virus नहीं है, was a plant pathologist. राइट एक नया एजेंट था शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विदाउट द कोट जिसको हम क्या कहते हैं. जब सिर्फ प्रोटीन कोट होता है तो प्रियॉन कहते हैं. जब सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है तो वायरियोइड कहते हैं. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है. वेल डन. आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स. वेरी वेल डन. डीएनए नहीं फ्री इंफेक्शियस आरएनए. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. गुड गाइज. क्वेश्चन नंबर 4. वेरी गुड. प्लस 12 हो जाना चाहिए. नहीं प्लस 16 हो जाना चाहिए. चलो ICBN गाइस नो मिस्टेक्स प्लीज. इजीएस्ट क्वेश्चन ऑन अर्थ. इजीएस्ट क्वेश्चन ऑन अर्थ. नो मिस्टेक्स प्लीज. ICBN इंडियन कोड है क्या? इंडियन कांग्रेस है? कोड है कि कांग्रेस है? No mistakes, please. Please, no mistakes. International Code of Botanical Nomenclature is absolutely righto. Question number 5. Meiosis in Dryopteris takes place during meiosis. Spore formation, gamete formation, spore germination, zygote formation.
हॉर्सेस, फर्न्स, कितनी बार पढ़ाऊंगी मैं ये आपको, फर्न्स के पीछे क्या होता है, फर्न्स के लीफ के पीछे क्या, स्पोर्स, यस और नो, स्पर्म, फर्न्स के लीफ के पीछे क्या, स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन, नो मिस्टेक्स, राइट, फोकस, नो नेगेटिव मार्क्स, मार्क योर अटेंडेंस. अभी कितने बच्चे अभी के अभी अटेंडेंस मार्क हो जानी चाहिए क्लास में, चलिए अटेंडेंस मार्क होगी मेरे सारे बच्चों की. अच्छा एक चीज रुको, देखो एवरीबडी हैव यू मार्क योर अटेंडेंस. अब आपने ऐसा करना है, इसलिए मैं प्लस फोर माइनस वन के पीछे पड़ी हुई हूं, आपने मुझे ये करके देना है, विल यू डू दैट. ये देखो ये वो बच्चा है जो फोर्थ वीक एंटर कर रहा है क्रैश कोर्स का. फोर्थ वीक तक मैं 589 स्कोर ले आई हूं, 600 आने वाला है स्कोर, 589 स्कोर ले आई हूं बच्चों का, और ये करके दिखा रहा है आपको मुझे, एक्यूरेसी मार्क करवानी है. इज दैट क्लियर? पक्का हो जाएगी? कितने परसेंट ठीक किया है 50 में से? इसीलिए प्लस फोर माइनस वन करो मेरे साथ. ये मैं रेगुलर क्लासेस में करती हूं, तो अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करेंगे हर टेस्ट के बाद, हर असाइनमेंट के बाद, मैं आपको यही बताने वाली हूं. आई एम गोना शो यू दिस. अंडरस्टूड? तो मुझे आपका प्लस फोर माइनस वन चाहिए, दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी सिंसियरली डूइंग इट. पक्का? वो आप नहीं हूं, वो मेरे स्टूडेंट है, मैं उनका नाम यहां पर छुपाती हूं, इसलिए अपना नाम लिखा हुआ है. यस, वो मैं नहीं हूं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करूंगी बैठ के सॉल्व, ठीक है? चले, बिकॉज ऑब्वियसली यू कांट एक्सपोज द चाइल्ड्स नेम लाइक दैट. ठीक है, आइए. अच्छा ये कहां से आ गए हम लोग, ये तो कोड है अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है. चले लेट्स मूव अहेड, चले आइए. वेरी नाइस भाविनी, आई एम श्योर यू आर लविंग द क्रैश कोर्स. कोरोलॉइड रूट्स और एंजियोस्पर्म, कोरोलॉइड जिम्नोस्पर्म्स में होता है, क्या डिफरेंस है? बताइए. नाइट्रोजन फिक्स करने वाली रूट्स विच आर नेगेटिवली जियोट्रोपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक इन साइकस रेवोल्यूटा आर कॉल्ड द कोरलॉइड रूट्स. प्रेजेंस ऑफ एल्गल जोन बिकॉज दे हैव ब्लू ग्रीन एल्गी विच डज नाइट्रोजन फिक्सेशन, येस और नो? कितना इजी सवाल था जो आपने घुमा फिरा के पता नहीं क्या गड़बड़. यस, दे हैव कोरलॉइड रूट्स विच डू नाइट्रोजन फिक्सेशन, ब्लू ग्रीन एल्गी. क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन. गुड बच्चों, चलो. Which of the following statements is true regarding corals? Coral forms branch colonies, solitary or colonial, grows massive bodies, all of the above. Chalo. But guys, you've all got to become a part of Be Biotonic. Jitne bacche bhi channel dekh rahe, have you all subscribed to our channel? Yes? Amazing. All of the above. Right? From branch colonies grows massive bodies, solitary or colonial. They can be all the above. Menti ji ho gayi hai senti. Itne dino baad hume live dekhe. Yes, it is all of the above. Answer is all the above. No, no, no. Answer is all the above. Answer is D. All the above. Understood? Menti ka koi tarika nikalo yaar ulta mukka maarne ka. Given are the four matches of phyla with their characteristic cells. ये तो बहुत इजी है. Nephrocytes, solenocytes, conocytes, nematocysts. Mark the option जिसमें दोनों correct है. Coelenterata के पास nematocysts होते हैं. Porifera, Chinophora के पास solenocytes होते हैं. बड़ा easy question है. निकाल दिया आप लोगों ने answer. Yes, answer is out. Answer is out, everyone. Well done. And guys, each one of you needs to become a part of We Biotonic so that you don't miss out on the board need preparation job kar rahe hain. Yes, bilkul theek hai. Coelenterata, nematocysts, porifera, conocytes. Coelenterata, nematocysts, stinging cells, porifera, collar cells, coloblasts, conocytes. Question number 9. In which family? Array. Easy.
Poesi, Soralesi, Papilionesi, Malvesi. Easy one. 9 or 8 akela. Hi Amar, I'm good. Hi Arya. Really Arya, Arya says Monday or Tuesday ko bina bhi band chhodi ke pura din adhura lag raha tha. How sweet is that? Bohat easy. 9 plus 1 and Rishim condition. Ye ek hi family mein hoti hai. अरे बच्चों पैपिलियोनेसी फावा बीन्स फेबीएसी पैपिलियोनेसी राइट दिस डाउन एरर कॉपी दो चीजें लेके बैठो यस यस सार्थक हाय सार्थक शर्मा वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म एरर कॉपी एंड ओएमआर एरर कॉपी ओएमआर बेटा 9 प्लस 1 क्या होता है टॉक यू दिस प्लांट मॉर्फोलॉजी में मल्टीपल टाइम्स आप देखिए ये 9 एक बंडल में होते हैं 9 और एक अकेला होता है तो ये 9 प्लस 1 जैसे एपिपेटलस कंडीशंस होती हैं वैसे कंडीशन 9 प्लस 1 दिस हैपेंस इन पैपिलियोनेसी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कम ऑन रोशन जन्वी क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाइए एरर कॉपी प्लस ओएमआर लेके बैठेंगे पैसेज सेल्स क्या काम है पैसेज सेल्स का पैसेज सेल्स जो पास कर पैसेज सेल्स अच्छा मैं नहीं बता रही नो हिंट्स Acid cells are thin walled and found in the endodermis. How will they be found in testa, dhulai? Central cell phloem, they found in the endodermis, jiske andar suberin hota hai, jiske andar lignin hota hai, because of which Casparian strip hoti hai, jo pani ko pass hone nahi deti hai. And because the water is not passing. Understood? Yes? Pani pass nahi ho raha because of Casparian strip. जिसके अंदर लिग्निन सुबेरिन की थिकनिंग है बिकॉज ऑफ विच सर्टन सेल्स विल अलाउ द वॉटर टू गो इन साइड विच इज कॉल्ड द पैसेज सेल्स चलिए बिल्कुल शिफा क्रैश कोर्स में बहुत डिटेल में स्टडी होती है सार्थक शर्मा इज इन ए बैच चलो स्पीड बढ़ाएं प्लीज इतना इजी क्वेश्चन है ना गुड लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट पोजेस विनेशन व्हाइल विनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट मोनोकोटिलेडन्स रेटिकुलेट इन डाइकोट्स मोनोकोट्स के अंदर पैरेलल इजंट इट गुड वेल डन चलो 12th थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं मेरे बच्चे Menti will be regularly done for entire class 11th revision. Don't you worry. This is an incorrect statement in context of heartwood. Heartwood. Yes, incorrect statement in context of heartwood. Righto. It conducts water and minerals efficiently. Heartwood, it is dead wood. It is in the center. Puri lignized hai, suberized hai. Ek ek cheez samjha rahi hu main. Chalo 13th question ki taraf. Speed badhao apni. Anatomically,
वेरी फेयरली ओल्ड डाइकोटिलेडोनस रूट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द डाइकोटिलेडोनस स्टेम. स्टेम और रूट में क्या डिफरेंस है? कल मैं प्लांट एनाटॉमी फिर से करवा लूं, पर जल्दी बताओ स्टेम और रूट में क्या डिफरेंस है. थोड़ी स्पीड बढ़ाओ. हाय उमर, दीपक, पवन एंड गाइस, डू बिकम अ पार्ट ऑफ बी बायोटॉनिक. एवरीवन हैज टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिफोर यू लीव द सेशन. Yes, so that you don't miss out on all these super amazing things that we are doing in the class. Chalo. Chali. Protoxylem towards the inside, outside. First form xylem towards the outside. Protoxylem. Yes, and guys, how do you join the Telegram group? Kitna simple hai, Biotonic for me Telegram download karo and please become a part of the Telegram group because bahut contests aur bahut quizzes Telegram pe hone wale hain. So all of you need to join the Telegram group. Chaliye agle sawal pe. Question number 15. Feature is not found in Periplaneta americana. Not found. Not found. Please read between the lines. Indeterminate, no, determinate cleavage. Not found. Indeterminate नहीं, determinate. अरे यार बच्चों, आज तो बहुत अच्छा कर रहे हो. एक भी क्वेश्चन हम पार नहीं हो रहा. क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं. चलिए गुड गुड, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए. चलिए 6 o'clock तक हमें सारे क्वेश्चन खत्म करने. पिक द करेक्टली मैच पेयर. करेक्टली मैच. कार्टिलेज इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू. एडिपोज टिश्यू इज डेंस. माशाल्लाह. एरियोलर टिश्यू इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू. टेंडन इज अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. प्लीज मूव अहेड एंड बी क्विक with your answer. You have to pick up the correctly matched ones, my dear bachcho. Speed badhao. Be the best version of yourself, which you already are. Chalo. Padhna hai yaar. Aur guys, physics chemistry mein improve kar lo. Main har baar kehti hu, ek mahine ka agar sirf pro membership loge, usse physics chemistry bahut achhi ho jayegi. Is level ki ho jayegi jis level ki bio rakhi. Correctly matched pair, areolar is loose. Areolar, below the skin, how can it be dense? It has to be the loose connective tissue for insulation, for protection. Question number 17. Let's speed up, guys. In which of the following preparations are you likely to come across cell junctions? Cell, desmosomes, hemidesmosomes, cell junctions, tendon, ciliated epithelium, thrombocytes, hyaline cartilage. Chalo, bahut acha question hai. Hi Divya Chauhan, Biotonium beta. Wish you a very happy birthday, my dear child. God bless you. सारे बच्चे OMR मार्क कर रहे हैं. मुझे आपका रिजल्ट वैसे देखना है परसेंटेज के फॉर्म पे. कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ जानी चाहिए. राइट, OMR की फोटो आ जानी चाहिए आज टेलीग्राम पे. हाइलेन थ्रोमोसाइट सीलिएटेड एपिथेलियम टेंडन. एक्सलेंट. एपिथेलियम सेल्स को ज्वाइन करने के लिए टेंडन लिगामेंट में क्या जरूरत है? सेल टू सेल जंक्शन, डेस्मोसोम्स, हेमिडेस्मोसोम्स. Amazing, amazing. इस लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री जिस दिन होगी ना गाइस, इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है रेगुलर सेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री. 1 month प्रो मेंबरशिप कैन चेंज योर डेस्टिनी. आपको इतना मजा आने वाला है बिकॉज मल्टीपल टीचर्स के लेक्चर लगाओ, एक के बाद एक टॉपिक्स करते चलो और मुझे अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दो. चलो, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ वॉललेस है, पाइलियन फिब्रा मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी और अटैचमेंट, बैक्टीरियल सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन्स. इनकरेक्ट. साइनोबैक्टीरियल लैक फ्लैजेलेटेड सेल्स. चलो और गाइस, यार मुझे OMR की कॉपी चाहिए. पूरे OMR की कॉपी चाहिए क्लास के बाद. आ जानी चाहिए मेरे पास OMR की कॉपी. एरर कॉपी में लिखो जो जो क्वेश्चंस गलत हो रहा है. ये सब इन द क्लास करना है, बाद में बार बार वही चीज रिवाइज नहीं करनी. वेरी गुड. मोटिलिटी नहीं है, अटैचमेंट है. मोटिलिटी नहीं है, अटैचमेंट है. अटेंडेंस मार्क हो जाए आज सारे बच्चों की. लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाए अभी के अभी और अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाए अभी के अभी. चलो स्पीड देखते हैं कि हम क्या 30 क्वेश्चंस 15 मिनट्स में कर सकते हैं. इंजाइम टर्म किसने कॉइन किया था? बायोमोलिक्यूल्स. यूरे मिलर पास्चर कुहून बुशनर. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. चलो 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 चलो.
विलियम कुहने विलहेम 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 ना लाइको, मैंने आपका ये बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर लिया था, मेरे घर में तब इंटरनेट नहीं चल रहा था, मैं जबरदस्ती ऑफिस गई थी और आपका लेक्चर कैंसिल नहीं किया था, याद है कि भूल गया, एमनीसिया हो गया रेट्रोग्रेड, राइट? तो यस विलियम कुहने, चलो क्वेश्चन नंबर 20th, 30 क्वेश्चन 15 मिनट्स में करना है आज, चलो केमियोस्मोटिक थ्योरी एनसीईआरटी 50 बार करा चुकी हूं, आपकी ओएमआर की कॉपी बेटा, जो आप अपने ओएमआर मार्क कर रहे हो, एबीसीडी मार्क करो, प्लस फोर माइनस वन दो, अपने स्कोर बताओ, चलो मुझे अभी तक प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस, एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयंस, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बताइए प्रोटॉन ग्रेडियंट, एच प्लस आयंस, पोटेशियम सोडियम कहां से आ गया, कुछ भी मतलब कुछ भी, 21 The most common secondary structure of proteins is, we are not talking about primary, we are not talking about tertiary, we are talking about secondary structure. Alpha helix, beta pleated sheet, non-parallel, beta pleated sheet, parallel, beta pleated sheet. Going to hit the halfway mark soon. Secondary structure of protein. अरे बेटा, अल्फा हेलिक्स फोल्ड्स, शीट्स नहीं होती है प्रोटीन्स में, फोल्ड्स, प्रोटीन्स, अल्फा हेलिक्स. अच्छा, कितने बच्चों को, कितने बच्चों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है, कितने बच्चों को वो फोटोग्राफ याद है लॉर्ड ऑफ द रिंग से, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जुल्फो वाली हेलिक्स, कितने बच्चों को याद है, स्पेशली वो फोटो याद है? यस, हेलिक्स 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 इज द कॉमनेस्ट फीचर. 22nd, हाफ पे मार्क पे आने वाली हूं मैं, स्पीड बढ़ाओ, चलो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कर रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स चिपकी पड़ी है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कर रहे हैं, चलिए. एंड गाइस, हैव यू सब्सक्राइब्ड? आप बहुत गलती कर रहे हो अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए. यस, चलो सिस्टर क्रोमैटिड्स चिपकी हुई है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, वाह. अरे प्रोफेज में वो बीच में, प्रोफेज में वो यू नो लगना सेपरेट होगा, ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर होंगे, मेम्ब्रेन सेपरेट होगी, मेटाफेज में वो बीच में लगेंगे, एनाफेज में वो टूटेंगे, टीलोफेज में कोने में चले जाएंगे. इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगानी है? 23rd, when a cell has stalled means stopped for some time, stalled, DNA replication रोक दिया है, replication fork. मैं बताऊं, hint दूं? अच्छा नहीं, okay, no hint, no hint, no hint, no hint. चलो, stalled, stopped. Stalled, stopped. G2M, S पे प्रॉब्लम हुई है, G2M चेकपॉइंट काम करेगा, S पे प्रॉब्लम हुई है, ऑर्डर देखो, G1S, G2M, S पे प्रॉब्लम हुई है, G2M काम करेगा, एरर कॉपीज बनाओ, हेल्प करेंगी एग्जाम में, कौन बनाएगा एरर कॉपी? 24th क्वेश्चन, चलिए राइबोसोम्स ऑफ ओनली साइटोसोल, राइबोसोम्स विच आर ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स ऑफ ओनली माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल, राइबोसोम्स ऑफ ओनली न्यूक्लियोलस एंड साइटोसोल. चलिए
में जाकर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने एंडोप्लाज्म में एक रेटिकुलम अमेजिंग ऑब्वियसली यार अटैच्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अ कॉलम ऑफ वाटर विद इन साइलम वेसल्स ऑफ टॉल ट्रीज डू नॉट ब्रेक अंडर इट्स वेट बिकॉज ऑफ चलिए 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 words which I want to hear cohesion adhesion tall trees ha maine hint bhi de diya abhi to maar hi khaoge agar gadbad kiya to tensile strength of water cohesion adhesion tensile strength of water it root pressure tall trees mein karega ha tumhare examiner bevko banayega aur biotonian tumne acha karna hai ki ye karke aana hai rupture ye dekho yaar क्यों नहीं टूटता वॉटर कॉलम वीक ग्रेविटेशनल पुल है लिग्निफाइड थिक वॉल्स है ट्रांसपिरेशन पुल है या कोहेशन एडेशन है सॉरी जानबूझ के नहीं किया मैंने ऐसा लास्ट के 20 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है कर लोगे ना लास्ट के 20 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है थोड़े से ट्रिकी ज्यादा नहीं है थोड़े से मुझे लगता करना चाहिए यार ट्रिकी क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कैसे फायदा होगा ग्लाइकोलेट इंड्यूसेस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन राइट स्टोमेटा बंद है वाटर स्ट्रेस की वजह से बोलो यस मैम स्टोमेटा बंद है वाटर स्ट्रेस की वजह से बट बिकॉज ऑफ दैट गैसियस एक्सचेंज भी नहीं होगा सो CO2 तो प्लांट को चाहिए ना उसको C6H12O6 बनाना है हाउ मेनी ऑफ यू आर लर्निंग थ्रू द क्विज रेज योर हैंड्स लाइक खुशी सैनी खुशी यू आर माय फेवरेट गर्ल हाउ मेनी ऑफ यू आर लर्निंग इन द क्लास रेज योर हैंड्स डू यू वांट मी टू डू कंप्लीट चैप्टर वाइज क्लास 11th लाइक दिस विद यू MCQs वन पेज नोट्स MCQs वन पेज नोट्स MCQs यस मैम पक्का प्रॉमिस मैम डन यस कल प्लांट एनाटॉमी और परसों प्लांट एनाटॉमी का टेस्ट परफेक्टो यस सो कल प्लांट एनाटॉमी करते हैं हैंडमेड नोट्स और परसों उसका टेस्ट लेते हैं फिर एक नया चैप्टर वन पेज नोट्स एंड टेस्ट वी आर गोइंग टू रॉक क्लास 11 यस डन चलो नो पार्शियलिटी ओके किसी का आंसर लीक नहीं किया जाएगा चलो ओके रसनीत चलिए चलिए द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन मैंगनीज फोटोलाइसिस क्लोरीन क्लोर वेरी वेल डन वेरी हैप्पी 29th क्वेश्चन
गाइस व्हिच टू डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल प्रोसेसेस आर रिस्पांसिबल फॉर द रिलीज एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन. देखो सबसे पहले तो डीनाइट्रिफिकेशन होना चाहिए, है ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? डीनाइट्रिफिकेशन. मैम क्या बात, सबसे पहले आपके मन में घंटी बजनी चाहिए डीनाइट्रिफिकेशन की. यस एंड अमोनियम ऑक्सीडेशन व्हिच विल रिलीज फिक्स नाइट्रोजन एज डाइनाइट्रोजन गैस. राइट सिलेनियो गेमिंग, वो बल्ब है क्या? What is that? बुक के बीच में what is it? बल्ब कि चमक रहा है, समझ में आ रहा है. चलो अगले सवाल पे चलते हैं. Emulsions, मैंने कितनी बार कराया emulsion drop, emulsion enhancement, कितनी बार कराया मुझे सच बताओ मैम, इतनी बार. Emulsions enhancement effect in red drop have been instrumental in the discovery of what? मैंने photosynthesis के notes लिखवाए. I have taught you this so many times. Come on Princey mascot. Emulsions enhancement effect and red drop have been instrumental in the discovery of two photosystems operating simultaneously. कि जब आप far red देते हो तो photosynthesis कम होता है, आप उसको supplement करते हो photosynthesis बढ़ता है. Red drop, red enhancement, है ना? But 31st. But आज I am very happy because I can see perseverance here. I can see perseverance in my students and I'm really waiting for those OMR sheets. Crayons anatomy, bundle sheet cells, Vani ma'am ne aapko handmade note se karaya hai. Please, no mistakes, please. In Crayons anatomy, the bundle sheet cells have thick walls, no intercellular spaces and large number of chloroplasts. Yes? अच्छा कितने बच्चों को सच में याद है? सच बताओ, मुझे मुझे झूठ नहीं बोलना. याद है मैंने आपको ये करवाया था हैंडमेड नोट्स बनाकर? याद है कि भूल गया? याद नहीं याद, प्लीज वापस जाके वो लेक्चर देख लो यार, प्लीज. ठीक है, सारी चीजें मैंने कवर करवाई हुई हैं. तो दैट इज आई एम गोना डू लॉट्स ऑफ क्विजेस नाउ, लॉट्स ऑफ फुल 11th क्विजेस नाउ, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्विजिंग, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्विजिंग. अरे वाह, एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय क्वीन नोन. हाउ मेनी टाइम्स हैव आई ड्रॉन दैट एंटायर डायग्राम फॉर यू? बट गुड स्पीड गाइस, गुड स्पीड, गुड कंसिस्टेंसी. अरे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, प्लीज इसमें कोई भी गलती नहीं करेगा, जो गलती करेगा वो पिट्टी खाएगा आज. No mistakes, huh? Please, 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 please. तीनों किस जगह पे कन्वीन करते हैं? I will check all your telegrams. आज मैंने एयरपोर्ट पे बैठ के 550 टेलीग्राम मैसेजेस का जवाब दिया है. एसिटाइल कोएंजाइम में, राइट? और मैंने वेदांतो की टी शर्ट ही पहनी हुई थी, आपको पता भी, मैंने एक लाइव सेशन भी लिया है. तो आप सारे सोचोगे वेदांतो के टीचर बड़े मतलब मस्त किस्म के होते हैं, सारा दिन फोन पे लगे होते हैं, उनको कौन बताए कि वेदांतों के टीचर सारा दिन बच्चों के पीछे पड़े होते हैं. यस मेरे आपको देख रहे हैं, ये 2 घंटे से मैं बहुत जल्दी पहुंच गई एयरपोर्ट, तो 2 घंटे थे मेरे पास, सुबह एक ही जगह पे टिक के बैठी हूँ. तो मैंने डोनट्स खाए आज, पता नहीं कितने सालों बाद पूरा एयरपोर्ट ढूंढा, मुझे इडली वड़ा खाना था पर इडली वड़ा मुझे मिला नहीं. फाइनली मुझे डोनट्स की दुकान मिली और मुझे बहुत भूख लगी थी मैंने, और मैं सुबह से लगी हुई मैसेज भेजने मैसेज भेजने मैसेज 2 घंटे ऐसे पूरे मैसेज भेजने. तो देख रहे सब लोग वेदांतों की टी शर्ट डाली थी, अब वेदांतों बड़ा फेमस हो गया तो लोग पहचानने लगे कि यार ये वेदांतों वाले, यार ये वेदांतों के टीचर बड़े मतलब क्या टीचर है, टीचर है कौन है मैसेज, अब उनको कौन बताए भाई, मैसेजिंग भी बायोटोनियन से ही हो रही है, बच्चों को ही मैसेज कर रहे हैं. यस इफेक्टिव सेशन, मैंने तो सोच लिया यार मैं आपके टेस्ट ही टेस्ट करवाने वाली हूँ क्लास 11, तो इसी बात पे हो जाए
बड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने आपको सारे टॉपिक्स करवा दिए, तो अभी हमें टेस्टिंग पे बहुत जोर देना है, टॉपिक वाइज टेस्टिंग पे बहुत जोर देना है हमें। चलो, अल्कोहल फर्मेंटेशन इजी क्वेश्चन है, चलिए चलिए। इन अल्कोहल फर्मेंटेशन क्या होता है? अल्कोहल फर्मेंटेशन में एसिटाल्डिहाइड बिकम्स द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड कंटेनर्स कन्वर्टेड इनटू C2H5OH। यस, 15 क्वेश्चन रह गए, वाओ। चलो 15 क्वेश्चन तो 5-8 मिनट में करना है। अदिति, हर्ष, स्टोर्ड फूड कौन मोबिलाइज करता है बेटा? स्टार्च को कौन मोबिलाइज करता है? कौन अंदर आएगा? अमाइलेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, अल्फा अमाइलेज को एक्टिवेट करके स्टार्च को ग्लूकोज बनाएगा। मैम ने आपको बताया है, काश मैम जैसे जैसे बोले वैसे वैसे पीछे वो लेक्चर चलने लग जाए जब मैंने आपको बताया है, काश कि ऐसा हो जाता। मैंने कौन अंदर आएगा? अल्फा अमाइलेज को एक्टिवेट करेगा जिसकी वजह से स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। मैम ने आपको बताया है बेटा, हर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यार हर एक जिबरलिन्स, जिबरलिक एसिड, जिबरलिन्स विल डू इट, विल गेट, विल कम इनसाइड एंड कन्वर्ट, यू नो द अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज विल कन्वर्ट द स्टार्च इनटू ग्लूकोज, लवली। और सबको मेरे सुबह मैसेज आए होंगे, बाकियों को मैसेज मैं अभी कर दूंगी थोड़ी देर में। सेनेसेंस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इसीलिए बोल रही हूं, हैव टू बी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। सेनेसेंस, सेनिलिटी जो होता है एब्सेसिक एसिड की वजह से, येलोइंग ऑफ लीव्स। एंड गाइस, यू गॉट टू बिकम अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक। हर एक बच्चा मुझे बायोटॉनिक पे चाहिए, जो भी नीट की तैयारी कर रहा है। सो बिकम अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक, वी वॉन्ट यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ वी बायोटॉनिक, वी वॉन्ट यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Senescence as an active developmental cellular process in the growth and functioning of a flowering plant is indicated in vessels, implicate differentiation, leaf abscission, floral parts, annual plants. Senescence, old vessels are tricky, differentiate, they become older, they become, you know, they get differentiated into heartwood and sapwood because of senescence. Right? And because of abscessic acid, there is yellowing of leaves as well. आज सुबह आपको पता है ना, एयरपोर्ट पे जब मैंने वो छोटा सा वीडियो बनाया मॉर्निंग वाला, तो गॉड मुझे लगा अभी पीछे से पुलिस वाला आएगा, बोलेगा मैडम वैसे तो बड़ा वेदांतु वाली बन रही हो, वॉट इज दिस, कि ऐसे बिना मास्क के। तो एक सेकंड के लिए मास्क हाथ में रखा, सांस रोकी, वीडियो बनाया। यस, चलिए, विल सेल्स, अरे आ गए हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो गया है। लाइसोजाइम्स कौन सीक्रेट करते हैं? वाह मेरे चुनो मुनो गैंगस्टर्स, यू आर द बेस्टेस्ट ऑलवेज। कूफर सेल्स ना लिवर में होते हैं, जो क्रिप्स ऑफ लिवर खून बता रहे हैं ना, उनके मम्मी पापा को बुलाओ, इन बच्चों को ऐसे मुंह पाल सॉफ्टवेयर में। तो पुलिस सर को बोल के आयो, भैया सर एक मुझे तो डिजिटल मुक्का चाहिए। यस, जाइमोजेन सेल्स इनएक्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, पेनिन सेल्स। चलो बेटा, जिनका वीडियो क्लियर नहीं है ना, वो जो तीन डॉट्स दिख रहे हैं उनको अपनी स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे उन पे क्लिक करके थोड़ा वीडियो ठीक कर लो।
वेयर डू सर्टन सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स अक्र इन द ह्यूमन बॉडी. मेरे सारे माइट्रोबियंस का आता होगा इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है. सीकम सबसे ज्यादा सीकम में होते हैं. इसे कहा जाता है सटीक आंसर देना. देखो आपको आइडिया था कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है. इज इट अ वेरी वेरी स्पेसिफिक आंसर राइट? यस मेरे बच्चों इज इट अ वेरी वेरी. तो बेटा जितने आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतनी स्पेसिफिसिटी आपकी बढ़ती जाएगी बिकॉज आपने जो पढ़ा है वो रिफाइन होगा. एंड देयरफॉर वी बायोटॉनिक विल ब्रिंग फॉर यू मेनी 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 एमसीक्यू सीरीज राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. चलो लास्ट 10 क्वेश्चंस पे बढ़ने वाले हैं हम. व्हाट अ ब्यूटीफुल सेशन. गॉबलेट सेल्स अगर नॉन फंक्शनल हो जाए. गॉबलेट सेल्स आर सिंगल सेल्स. क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस. तो अगर म्यूकस नहीं होगी क्या प्रॉब्लम होगा बताओ? वाह स्मूथ मतलब क्या ही कहे वाली मैम राइट. सीबम बेटा यहां म्यूकस होता है. टच किया हाँ क्या करना है? नागिन डांस. म्यूकस चाहिए पेट में. म्यूकस चाहिए नागिन डांस करना है ना सीबम की जगह. ठीक है मतलब मैं समझ रही हूं आपके इमोशंस पर आप जरा समझो मतलब क्या कर रहे हैं. क्या है मतलब क्या है? सीबम इज ऑयल राइट. गॉबलेट सेल इज म्यूकस. नो रियली मुझे नागिन डांस के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सोमैटोस्टैटिन इज हार्मोन को रोकना. तो ऑब्वियसली फूड डाउन द इंटेस्टाइन. बॉडी में क्या म्यूकस चाहिए? क्यों? कुछ स्लाइमी क्रिएचर बनना है? कुछ भी मतलब कुछ भी. बायोटोनियंस. चलिए 40th क्वेश्चन पे. चलिए 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 इजी क्वेश्चन. रेजिडुअल वॉल्यूम ऑब्वियसली ना. 41st क्वेश्चन भी आ गया. चलो चलो चलो. और गाइस मैं आपको बोलता लास्ट के कुछ क्वेश्चन बहुत ट्रिकी. लास्ट के 5 क्वेश्चंस तो मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रिकी हैं. ये क्वेश्चन 2,575 बार आ चुका है. इस क्वेश्चन को भी जिसने गलत किया वो बच्चे में बहुत ज्यादा टैलेंट है क्वेश्चन गलत करने का. 2,575 बार आने वाला सवाल ये रहा आपकी नजरों के सामने. 2,575 बार आने वाला सवाल ये रहा आपकी नजरों के सामने. चलिए बाइकार्बोनेट आयन राइट. ऑब्वियसली बेटा इट इज द बाइकार्बोनेट आयन्स. अब मैं आपको 2 या 3 मशवरे दूंगी और मुझे पता है कि मेरे बच्चे तो मेरी सारी बातें तो मानेंगे. सबसे पहले जैसे ही आज का सेशन खत्म होगा मुझे ऐसी परसेंटेजेस कमेंट सेक्शन पे मिल जानी चाहिए. इतना करेक्ट इतना रॉन्ग मिल जाएगी क्योंकि इसके बेसिस पे हम अपनी परफॉर्मेंस अगले टेस्ट में कंपेयर करेंगे. यस मैम लिख दो जल्दी #YesMam राइट नाउ. डन अभी के अभी लिखो #YesMam. अगली परफॉर्मेंस इसी के बेसिस पे कंपेयर करेंगे. बेटा आपने अपने नोट्स रिवाइज करना शुरू कर दिया है. 1 पेज नोट्स पढ़ो. मैं टॉपिक वाइज आपके टेस्ट लेना शुरू करती हूँ. डन. पर आपके पास ऐसे रेगुलर क्लास की तरह मैंने जितने आपके सेशंस लिए करोड़ों सेशन लिए हैं मैंने आपके. आइए प्ले लिस्ट पे देखिए कितने आपके क्लास 11th के सेशन लिए हुए मैंने. इनके आपने सबके नोट्स PDF डाउनलोड किए. आप सबके पास नोट्स है पक्का प्रॉमिस. ये देखिए यहां पे आप जाएंगे व्यू फुल प्लेलिस्ट देखिए. आपके पास सेशन नोट्स होंगे. सेशन नोट्स भी कहां से मिलते हैं मैं आपको दिखाऊंगी. आपके पास एक डायरी बनाइए फोल्डर बनाइए नोट्स डालिए. मैं आपको दिखाऊंगी अभी सेशन नोट्स आपको कहां से मिलने वाले हैं. बेटा उसके बाद
अभी आप अपना एक फाइनल रिवीजन शुरू कर दो, हो जाएगा, प्रॉमिस, फाइनल रिवीजन सबका। तो बेटा आपने अपने डाउट्स लेने, आप ऐप डाउनलोड कर लो, हम फ्री डाउट सपोर्ट भी देते हैं। क्या सारे बच्चों के पास वेदांतु की ऐप है? अगर ऐप नहीं है तो अभी डाउनलोड करो, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री के आप नोट्स लेना शुरू करो बेटा, प्लीज डाउनलोड द ऐप, राइट? इज दैट क्लियर? डाउनलोड कीजिए ऐप बेटा, ये आपको वहां डाउट सेशंस मिलेंगे, पर डाउट के बिना कभी ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो कहेगा किसी ने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि मन में डाउट नहीं है। डाउट नहीं है मतलब आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे, डाउट आने चाहिए और डाउट सॉल्व होने चाहिए, हो जाएगा? डाउट आने चाहिए और डाउट सॉल्व होने चाहिए, दो अलग अलग चीजें हैं। ये देखिए, ये आप टेस्ट दो, मैं आपकी टेस्ट के लिए प्लान कर रही हूं, पर टेस्ट दो, फिजिक्स केमिस्ट्री के टेस्ट दो बेटा, यहां डालो फिजिक्स सर्च करो और टेस्ट दो। ये तो आपको मतलब वेदांतु में मिलेगा, पर टेस्ट देने हैं, ठीक है? प्रॉमिस पक्का? जो जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूं, आपने आपने क्या अपना टाइम टेबल बना दिया? फेब का टाइम टेबल बनाओ, मेरे साथ शेयर करो, 10 फरवरी से 28 फरवरी का ही टाइम टेबल बनाओ, पर शेयर करो, पढ़ो 11th वालों, पूरी 11th करनी है अगले 20 दिनों में, मैं अगले 20 दिनों आपको पूरी टेस्ट सीरीज प्लान कर देती हूँ। और गाइज, अगर आपको लगता है कि यार ये जो है ये मैं 25 या 30 दिन पे अगर वेदांतों की मदद कर ले लूं तो मेरी काफी पढ़ाई हो जाएगी, बिकॉज राइट नाउ मेरे पास ना बहुत वो नहीं है, मतलब मेरे पास डाउट्स है, नोट्स, जो नोट्स आपको खुद बनाने, अगर टाइम नहीं मिल रहा तो वेदांतों में आपको बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे। आप एक महीने की प्रो मेंबरशिप में भी कम से कम 50 टॉपिक के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, आप टेस्ट दे सकते हो, राइट? क्रैश कोर्स में तो फुल सिलेबस खत्म हो जाएगा। सो प्लीज ये नोट्स, डाउट्स, टेस्ट, इनको सीरियसली लो, इसके बिना काम नहीं होगा, इनको, इन तीन ट्रायंगल्स को प्लीज सीरियसली लो। और यहाँ आ जाओ, मैं आपको अपने नोट्स के बारे में भी बताती हूँ, दूसरे नोट्स के बारे में भी, अपने नोट्स के बारे में भी बताती हूँ, दूसरे नोट्स के बारे में, ठीक है? तो आप यहाँ आइए बच्चों, अगर आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, ये मस्ती के लिए नहीं डाला है यहाँ, चलो मस्ती चल रही है, राइट? ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको जाना है, तो यहाँ पे क्रैश इस पे दीजिए। ये क्रैश कोर्स है 12th और 13th के बच्चों के लिए, 120 सेशंस में फुल सिलेबस, पूरे नोट्स, पूरे डाउट्स, 25 हफ्ते हैं एग्जाम के लिए, 20 टेस्ट दीजिए, क्लिक कीजिए बाय नाउ पे, बिना टेस्ट के, बिना कंप्लीट सिलेबस मॉक टेस्ट के कोई तैयारी नहीं होती, अपना बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। और कोड डाल दीजिए VDMEET, you get a 2000 rupees off, it becomes 48,000, this is critical, important, और बेटा बहुत, मतलब इससे अच्छा क्रैश कोर्स नहीं है जो आपको लास्ट मोमेंट पे डाउट्स देगा, फुल सिलेबस कराएगा, नोट्स देगा, टेस्ट देगा, और एंड तक जब तक एग्जाम नहीं होगा सारी चीजें देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एक चीज और है, वो है प्रो मेंबरशिप। ये 11th के बच्चों के लिए है, जिनको एक डेढ़ महीने में या एक महीने की प्रो मेंबरशिप ले ली, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज कर लेते हैं, आइए 11th नीट यूजी 2022, फुल एक्सेस टू ऑल द लाइव कोर्सेज हैपेंस हियर, कंप्लीट एक्सेस। एंड मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ यार, चॉइस हमेशा आपकी होती है, मैं अपने लिए नहीं बता रही, राइट? 3-4-5 हजार से वेदांतु इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडटेक कंपनीज इन द कंट्री, दिस इज फॉर यू, सो दैट यू गाइज कैन स्टडी, राइट एवरीबॉडी? मैं अपने घर का सामान नहीं बेच रही कि आओ 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 दीवारें पेंट कराओ, दरवाजे रंगीन बनाओ, इट्स नॉट फॉर दैट, इट इज फॉर यू गाइज, इट्स फॉर योर एजुकेशन, यू आर द सेंटर ऑफ वेदांतु, राइट? सो यहाँ प्रोसीड टू पे पे जाइए, आप सिर्फ 1 month पे क्लिक कर सकते हैं, और इसका कोड थोड़ा सा अलग है, VD Pro। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं बच्चों, VD Pro, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, यहाँ पे नीचे ना आपको PDF डेटा शीट दिखेगी, दिख रही है? इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको जो चाहिए आप बताओ, मैं इस शीट को अपलोड कराती रहूंगी, मेंटी चाहिए, क्या चाहिए, तो यहाँ पर आप आइए, आपको जैसे कल मैं एनाटॉमी करवा रही हूँ, पर जो मैं एनाटॉमी कल करा रही हूँ वो 1 पेज नोट्स करवा रही हूँ, यहाँ पे देखिए कितनी डिटेल्ड आपको क्लासेस मिलेंगी, राइट? ये देखिए कितने सारे नोट्स, तो इनको शॉर्ट में करेंगे कल हम, ये सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें हम कर रहे हैं, राइट? चलिए, तो अब यहाँ पे जाके मैं इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ और हम अगले सवाल पे चलते हैं। बट गाइस, फिजिक्स केमिस्ट्री में टेक हेल्प फॉर डाउट्स, फॉर टेस्ट्स टेक हेल्प, बिकॉज बहुत कम समय बचा, वी हैव टू बी द बेस्ट। चलिए, क्लॉटिंग डिसऑर्डर एंड ब्लड सेल में क्या कनेक्शन है, कौन सा ऐसा सेल है जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर में हेल्प करेगा?
प्लेटलेट्स नो थ्रोम्बोसाइट्स एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस राइट वी आर डूइंग दैट शुभ्रा टुमारो वी आर डूइंग वन पेज नोट्स ऑल्सो बट वन पेज नोट्स आर हैंडमेड तो उसका पीडीएफ कैसे डाले चलिए Doctors use stethoscope to hear sounds produced during each cardiac cycle. The second sound is heard lub, dub. Lub is for AV valves, dub is for semilunar valves. 44th. By the way, आज सारे बच्चे जाके एक स्टोरी देखेंगे आज हमने कुछ बहुत अमेजिंग स्टोरी में डाला है Wow! Sending lipo glucophane is impermeable to water is the correct statement. Very good. Last five questions आज स्टोरी में कुछ बहुत अच्छा डाला है चलिए चलिए दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पीसी या ट्यूब पिरामिड का पार्ट कैसे हो सकती है करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम द इनर साइड अगर किसी ने डैप लिखा उस बच्चे की तो मैं पिटाई कर दूंगी अभी करेक्ट साइड फ्रॉम द इनर साइड आउटर साइड से नहीं बोला है डैप नहीं लिखना है पाया एरेक्नॉइड पैड इनर डैप वॉज आउटसाइड इन इट वॉज इन साइड आउट विच वॉज आस्ट नो गैंगस्टर्स चिल्ड्रन ऑफ डैमेज थाइमस थाइमोसिन नहीं बनेगा साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी नहीं होगी Children who have damaged thymus, loss of antibodies, B cells, humoral immunity, T cell is cytotoxic immunity. Yes? Pitai khani hai? Chalo.
बार बार बताओ, चलो 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 स्पीड बढ़ाओ। अभी एक बड़ी मजेदार बात बताओ, ओके परफेक्ट। तो मैं कैल्शियम अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स, कैल्शियम बाइंड करता ट्रोपोनिन सी को, ट्रोपोनिन सी बाइंड बाय ट्रोपोमायोसिन को। How many of you have problems getting up in the morning and want to get up? How many of you have problems getting up in the morning and want to get up? Yes, ma'am. Me. You want to get up? 6 o'clock? Me. Can I do a small live session at 6 o'clock for 3-4 days to make your little habit? Would you like to go on a walk with me, where I'm talking to you and giving you some tips? Aankhe malte malte uth jana. I'll go either cycling or walk with me. And 2 or 3 tips, quick tips, tip 1, tip 2, tip 3, like that. क्या कहते हो? क्या आज ये करो, कल ये करो, थोड़ी आदत बनने देते हैं. Done? Wow. So I'll go on a quick walk, and you guys have to be there. Awesome. Perfecto. चलो. 49th question पे आ चुके हैं, guys. But guys, physics, chemistry के पीछे पढ़ जाओ. एक महीने का pro membership आपकी life बदल सकता है. सच में, I'm not exaggerating. I'm not joking. फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे पड़ जाओ, क्रैश कोर्स तो यार लाइफ चेंजिंग हो सकता है. NMJ, neuromuscular junction, end plate potential, brings us to the last question and the leaderboard. Wow, guys, class 11th, you've done 50 questions, 90 to exam mein aate hain. Destruction of the anterior horn cells of the spinal cord was resulted in loss of voluntary motor anterior horn cells. Voluntary motor functions. Wow means wow. This was super amazing. I want each one of the kids to make sure that you are there, you've liked, you've shared, and you've subscribed. Yes? Ab mujhe batao, how was this test? Would you like us to do many more such tests? Yes, every chapter, every topic, we are going to be unstoppable. Done. तो इसी बात पे सच में एक दिल बना दो, एक लाइक हो जाए, एक शेयर हो जाए. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार. Yes, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो. चलो आपको लीडर बोर्ड दिखाते जल्दी से. इससे पहले कि मैं आपको लीडर बोर्ड दिखाऊं, आई वॉन्ट शो यू समथिंग. सो गिव मी 10 seconds टू शो यू समथिंग बिफोर आई एक्चुअली शो यू द लीडर बोर्ड. आ जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ. VD Pro तो आपका पता है, आपके प्रो मेंबरशिप का कोड है, बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाना चाहती हूँ. राइट, बायोटॉनिक फॉर नीट हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आपने ज्वाइन करना है. यू गॉट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस. राइट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, बिकॉज दिस इज वेयर योर जर्नी विल बिकम इजियर. कल में टॉप स्कोर 90+ कैसे करना है, इतना टॉप स्कोर 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं टॉकिंग. कल मैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के हैंडमेड नोट्स बनाऊंगी. कल सुबह 9 o'clock NTA ऐप के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ. शाम को आफ्टर द क्लास एट 9 PM 50 क्वेश्चंस फॉर नीट प्रिपरेशन होने वाला है. एंड जो भी आपकी कंसर्न्स है ना बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ये तो 12th बोर्ड का, 11th वाले भी कर दो, वी विल टेक वन मोर सेशन. यस, चलो डन. एंड गाइस, डोंट फॉरगेट द टू कोड्स, वीडी प्रो एंड वीडी नीट. अब देख लेते हैं हम अपना लीडर बोर्ड. ये रहा, अक्षय आपकी टी शर्ट भेज दी गई है. युविका, श्रीलता, पंकज, पलक, सास्वता, मेघा, जनवी, स्नेहिता, क्षितिज. I've sent 10 t-shirts yesterday. Ayush Upadhyay.
lovely, super amazing performance. So happy. I will see you all sharp at 9 o'clock. और कल सुबह से 6 o'clock उठने की तैयारी. तैयारी जीत की. किसकी तैयारी? तैयारी जीत की. Done. Bye.